ये हूर जहाँ हमें खुश करने आई है, वल्लाह ये खूबसूरत और जवान भी है। मरी बकरी में क्या मजा, इस नगीने को जो भी रिंग में डालेगा वो इससे निकाह करेगा। ए हिंदुस्तानी, आज तो मैं तुझे अपनी बना के रहूंगा। तू उससे तुम्हें क्या, तुम्हारे कायदे से खेला हूं। तुमने कहा था कि जीतेगा वो लड़की ले जाएगा। शाबाश, ये तुम्हारी हुई। ए, रुको रुको रुको, वहां देखो कयामत जी। मैं यहां हूं। आप मटक मटक कर क्यों चल रहे हैं? लगता है घोड़े पे बैठकर पाइल्स हो गया है। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। मंजिल तक पहुंच ही गए। रुको रुको। लो, यहाँ वहां घूरना शुरू कर दिया। बताइए क्या है? पुराना डायमंड मार्केट है, समझे? तुम्हारे दादाजी की जानकारी यहीं से मिलेगी। जाओ किसी से पूछ लो। कल सुबह पूछताछ कर लूंगा, आज रात आराम कहाँ करना है वो बोल। सुनो ए, अगर किसी होटल में गए ना, वहाँ से सीधे कब्रिस्तान पहुँच जाएंगे। यहाँ कोई महफूज जगह नहीं है क्या? क्या रे, क्या मैं पेशे से चोर हूँ जो हर मोहल्ले की जानकारी रखूँ? बात करता है। हॉस्पिटल मिल गई। कौन, कहाँ मिली? शुक्रिया, फरमाइए जनाब।
कुछ ज्यादा ही सीरियस केस है, इन्हें एडमिट कर लो। क्या हुआ इन्हें? मैं थोड़ी ना डॉक्टर हूँ, फुल बॉडी चेकअप करके बताऊँ। डॉक्टर चेकअप करने कल आएंगे, चलेगा? हमें कोई परेशानी नहीं है, एडमिशन फॉर्म भर दे भाई। ये आपका कमरा है, कुछ चाहिए हो तो बताएं। कल सुबह मैं डायमंड मार्केट जाकर अपने दादाजी की दुकान ढूंढूंगा, तुम दोनों यहीं रुकोगे। बेहतर होगा, इन्हें भी साथ ले जाओ। पेशेंट को बाहर मत ले जाओ, मैं बहुत बीमार हूँ, तुम चली जाओ। माँ जनाब, यहाँ पुष्य कलावती डायमंड्स की शॉप थी, पता है? नहीं, हमें इल्म नहीं। जनाब, यहाँ 60 साल पहले पुष्य कलावती डायमंड्स की शॉप थी, क्या आप जानते हैं कहाँ है? हाँ, आप आगे से बाएं तरफ चले जाइए, वहाँ पर एक पुरानी हीरो की दुकान है, शायद वहाँ पर आपको कोई खबर मिल जाए। शुक्रिया। कोई बात नहीं। चाचा, बोलो बेटा। 60 साल पहले यहाँ पुष्य कलावती डायमंड्स नाम की शॉप थी। साल से मैं उस चाबी को ढूंढ रहा हूं, जब मुझे पता चला कि वो तुम्हारे पास है तो मैं खुशी से पागल हो गया। तुम्हें वो मिली या तुमने चुराई, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे वो चाबी चाहिए। कौन सी चाबी? कुछ याद आया? कितनी बार कहूं कि वो लॉकेट है, चाबी नहीं है। लॉकेट कहो, चाबी कहो, चाहे जो भी कहो, अगर वो तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हें इंडिया जाने दूंगा, वरना यहीं मरोगे। नहीं दूंगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं जानता हूं चाबी मिलते ही तुम मुझे मारने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोचोगे। दूंगा तो भी मारोगे, नहीं दूंगा तो भी मारोगे। मैं नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। जानता है लोगों में मेरी इज्जत से ज्यादा दहशत है, कांपते हैं वो मेरे डर से, खौफ से कांपते हैं वो। मैं वापस आऊं तब तक इसमें मेरे नाम का खौफ पैदा करो। ईमान से कहता हूं, तेरे जिस्म में एक भी हड्डी सलामत नहीं छोड़ूंगा। बता चाबी कहां है? इसकी उंगली में सुई घुसाओ, बताओ।
बताएगा या नहीं? बस मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूँ, वो चाबी कहाँ है? जितनी कोशिश करनी है कर ले, मेरा मुंह नहीं खुलेगा, तुझे मैं कुछ नहीं बताऊंगा। इसे ना मौत से डर लगता है और ना ही मुझसे डरता है ये। इसे कल सुबह पेशावर ले जाओ, चौराहे में लोगों की भीड़ के सामने इसके टुकड़े टुकड़े कर दो। इसका कटा सर ले जाकर इसके साथियों को ढूंढो और उन्हें दिखाओ, फिर चाबी अपने आप मिल जाएगी। तेरे पास कल सुबह तक का वक्त है, अगर तू मुझे बताना चाहे तो तेरी जान बख्श दी जाएगी। भिखारी की तरह कितनी बार हाथ फैलाएगा? अगर मेरे ना हो तो मुझे करोड़ रुपए भी नहीं चाहिए, और अगर मेरे हो तो मैं एक रुपया भी नहीं छोड़ता।